मैं और डॉक्टर साहब यहाँ हैं. डॉक्टर साहब आपने कुछ नहीं करना, मैंने करना है. आई एम गोइंग टू मेक डॉक्टर साहब जस्ट वांटेड टू स्टैंड हियर जस्ट टू सी कि मैं बनाता कैसे हूँ. जी जी सर, आप क्या बना रहे हैं? चिकन का. मैं बना रहा हूँ मुर्ग छोले. हाँ, डोंट आस्क मी कि कैसे बनाऊंगा, मैं बना लूंगा. और मेरे बनाने की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैं इसके अंदर कोई चीज़ भी मतलब मेजर करके नहीं डालता कुछ भी. अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो डल गया वो डल गया, जो हो गया वो हो गया. सो प्लीज, अगर ये खाना अच्छा बनता है तो यू स्माइलिंग. बट डॉक्टर साहब ठीक है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल सब बन सकता है. तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जैसे भी बना सकता हूँ मैं वैसे बना रहा हूँ. अच्छा, इन लोगों ने प्याज भी इस तरह से गोल काट के डाली है. ये जिस भी जबरदस्त आदमी ने काटी है ना, उसको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा हक कीजिएगा प्लीज. इस तरह से बिल्कुल प्याज नहीं कटती, बट वी आर गोना डू इट. वी आर गोना डू इट. मैं आपकी मदद करूंगी, मैं डालूं. अच्छा, आप डालें. ओके, इसमें ना वो होगा, चींटे उड़ेंगे. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ते. आप ना करें तो अच्छा है, मेरी मदद. मुझे लगा ऐसे. या थैंक यू. आता है मुझे खाना, आता है. अच्छा, आता है. आप बनाती तो अच्छा है बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं है. वी हैव हैड फूड एट योर हाउस और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, तो हम बना रहे हैं. अच्छा, मुझे आई कुड नेवर यूज़ दिस. ये जो लकड़ी वाला स्पून है ये मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता. अच्छा होता है सबसे. ये सबसे अच्छा होता है. ऑल राइट, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम आज इसे बनाएं. अच्छा, मैं जो बनाता हूँ उसके अंदर मैं मिर्चें बहुत. डॉक्टर साहब आप तो स्पाइसी नहीं खाते? खाती हैं पक्का. आप लोग स्पाइसी खाते हैं? जी मैं नहीं, स्पाइसी नहीं, मॉडरेट. मॉडरेट. आप अस्मा? नॉन स्पाइसी. बहुत स्पाइसी? नॉन स्पाइसी. नॉन स्पाइसी, तो फिर आज आप नहीं खा पाएंगी. हम मैं कोशिश कर रहा हूँ. कभी कभी खा लेती हूँ. कभी कभी खा. अच्छा ओके, कभी कभी खा लेती हैं. और इनसे पूछिए ये कैसा खाती हैं? आप खाना कैसा खाती हैं? रमशा बताइए. स्पाइसी खाती हूँ. स्पाइसी खा लेती हैं? बहुत ज्यादा स्पाइसी. बहुत ज्यादा? ओके. टू मच स्पाइसी. टू मच स्पाइसी. या आई डोंट नो कितना स्पाइसी होगा ये, पर स्पाइसी तो होगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. डॉक्टर साहब चलता है. आप लोग खा सकेंगे. डॉक्टर साहब ये सोच रही हैं कि इतना स्पाइसी खाना बनेगा कैसे और खाएंगे कैसे. अच्छा, मैंने आपसे कहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजरमेंट नहीं है. आप लोग अपनी तरफ से जो करना चाहें वो कर लीजिए. मैं तो हाथों से डालता हूँ और मेरा हर खाना एक ही तरह का टेस्ट करता है, क्योंकि हर खाने में इंग्रेडिएंट्स एक ही होता है. सो नो वरीज देयर. और अस्मा मुझे गौर से देख रही कि कर क्या रहे हैं. आप बिल्कुल. अच्छा, यहाँ ये भी परेशान है, ये कह रही है सर वो भी मिर्चें थी, ये भी मिर्चें, अब ये वाली मिर्चें रह गई हैं. माय गॉड. अच्छा सी, ये मैं अपनी टीम के लिए बनाता हूँ खाना, तो वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, डोंट वरी. और अगर तुम में से किसी ने ये कहा ना, तुम लोगों में से किसी ने ये कहा, और मेरी ये जो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, जब मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे कहा ना कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाता, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं. एक तो काम करो. नहीं, मैं आपको घुमा देती हूँ. नहीं, मैं घुमा लूंगा. नहीं नहीं, डॉक्टर साहब आप खड़ी रहें. कम से कम मैं भी 2-3 साल बाद कुछ तो घुमाऊँ. 2-3 साल बाद, ये भी अच्छी बात है. मैं भी खाऊंगी सर. जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मैं थोड़ी सी मिर्ची और डाल रहा हूँ. डॉक्टर साहब दैट्स रियली गुड. नहीं सर, आई विल डू इट. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. कोई नहीं मरने वाला, आप यकीन माने कोई भी नहीं मरने वाला. ये सब बहुत जिंदा रहने वाले लोग हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता. ये हर चीज खा लेते हैं. हमने डाला ऑयल, ऑयल के बाद डाला हमने प्याज, प्याज के बाद डाली मिर्ची, फिर मिर्ची, फिर मिर्ची. आज ये कढ़ाई तो मैं बनाई. लाइए मुझे दीजिए. थैंक यू वेरी मच. और आज जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि कढ़ाई नहीं बनेगी, सही है, कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी. आप देखिएगा. इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. एटलीस्ट मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ. अब ये जैसी भी बने, पर मैं अपने बहुत दिल से बना रहा हूँ. अब इसमें ग्रीन ग्रीन पेपर्स भी डालेंगी. वो तो ठीक है सर. हाँ. तो बड़े अच्छा होता है. पर ये अभी इसके बाद इस मिर्ची की गुंजाइश है. आप देखिएगा, हर मिर्चों की गुंजाइश हर जगह होती है. आपको ऐसा लग रहा है कि शायद बनेगा नहीं अच्छा, बट ये बहुत अच्छा बनने वाला. डॉक्टर साहब क्या हुआ? चीटें लगेंगी हमें. अच्छा, ये साफ कपड़ा है. नहीं, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. आप देखिएगा ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. अब आप चिकन डालेंगे? नहीं, छोले. पहले छोले मैं आपके. पहले छोले. पानी निकालूं इसका? हाँ, इसके अंदर पानी निकाल दो. थैंक यू वेरी मच. इसके अंदर हम थोड़े से छोले डालेंगे, फिर बिल्कुल एंड के अंदर हम इसके अंदर चिकन डाल के इसको छोड़ देंगे.
और अगर ये खाना अच्छा बन गया तो आप लोग खा लेंगे, नहीं अच्छा बना तो गुड लक। मुझे लग रहा है कि ठीक ही बनेगा, बुरा नहीं बनने वाला। लेकिन फीका बनेगा ये। क्या बनेगा? फीका बनेगा। फीका बनेगा? स्पाइसी नहीं बनेगा ये। नहीं बनेगा? हाउ? क्योंकि आपने जितनी मिर्ची डाली उसके बाद चिकन जाएगा, दही और वो जाएगा तो स्पाइस कम हो जाएगा। हाँ, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। कोई है आप लोगों में से, कोई शेफ है अचानक लाइव मदद चाहिए हो तो? नहीं कोई नहीं, आप फिक्र न कीजिए, सब हो जाएगा, मैं खुद ही कर लूंगा। आप मतलब इनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना? नहीं, ऑप्शन कोई भी नहीं है, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आई विल डू एवरीथिंग। अब इसको हम करेंगे सिमर पे, छोड़ देंगे और फिर थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि ये तैयार हो जाएगा। छोले और डालूंगे, ठीक है enough, ये डाल दें। ये किसी ने तो मेजरमेंट रखी होगी। किसी ने भी नहीं रखी। मतलब ये हम लोग खाना बनाते हैं, क्या मेजरमेंट रखी होगी? नहीं, कोई यहाँ पे शेफ तो होगा ना जो? जी जी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। ये देश की वाला? ये शेफ मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई शेफ नहीं है, आप यकीन जाने कोई भी शेफ नहीं है। रोटियाँ कौन बनाता है यहाँ? वो हम लोग बाहर से लेके आते हैं, चले बस पराठे होते हैं। आपको ये मन खाने नहीं करे मन खाने का तो रोटी तो है ना। डॉक्टर साहब आप मत टेस्ट कीजिएगा, ये बता रहा हूँ मैं, आपने तो बिल्कुल टेस्ट, आपने बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है, लाइए दिखाइए। अभी आप देखिए तो सही, तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। शान का मसाला है कोई, मैं चुपके से डाल दूँ? व्हाई व्हाई सब वो हमारा ना, वो हमारा एक बिलीव है शान का मसाला। आपका बिलीव है? ऑलराइट, मेरा बिलीव ये है कि मैं अगर कोई चीज़ बनाता हूँ तो बहुत अच्छी बनती है, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा बिलीव है। और आप देखिएगा सर, हम नमक भूल गए। नहीं, मैंने डाल दिया, आप यकीन जाने मैंने डाल दिया है, आप अगर डालना चाहती है तो और डाल दें। नहीं, आपने डाल दिया सर। ऑलराइट ऑलराइट, अदरक लहसुन हमने नहीं डाला। अभी ठहर जाइए, अभी ठहर जाइए, सबसे पहले डालेंगे? नहीं, ये मैं हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सबसे पहले अदरक लहसुन डालेगा। अच्छा, हम मुझे प्लीज बताएं, हम सबसे हम समझते हैं कि पहले अदरक लहसुन डालते हैं चिकन के साथ ताकि उसकी खुशबू जाए। ओके, तो आप कहते हैं कि आखिर में भी डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं, और आप देखिएगा मैं डालूंगा इसको, जब मैं सिमर पर छोड़ूंगा उससे जरा पहले डालूंगा। ओके, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। और आप देखिएगा अगर ये हर जगह का टेस्ट अलग होता है कि हर इंसान की कुकिंग अलग होती है। नहीं, मेरी कुकिंग तो ऐसी है, मेरा टेस्ट बिल्कुल एक ही जैसा होता है। आप, मैं बीफ ही बना सकता हूँ इसी तरह का बनेगा, दाल बनाऊंगा इसी तरह की बनेगी, मसाले सारे यही होते हैं। और ये जो चने जो है ये टूटेंगे भी नहीं? नहीं नहीं, टूटें या ना टूटें, अब तो जो भी हैं यही हैं। बस मैं सिमर पर निकलने से पहले ना, डालने से पहले बस ये, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें वो डाल दूंगा, दैट्स इट। मेजरमेंट हो गई ना पूरी? डाल जी, एंड वी आर डन। अब इसके बाद इसको हम सिमर पे रख देंगे और ये फिर पकना शुरू हो जाएगा। इसको पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और 25 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। लेमन डाल दीजिएगा, मुझे लेमन दे दीजिएगा। अच्छा, ये आप घर में बना सकते हैं, आप देख तो चुके हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आपको आई एम श्योर कि आपको मुझसे बेहतर बनाना आता है। No problem. आपको लेमन नहीं डाल के, मैं देखूं फ्रिज में? नहीं नहीं, it's okay, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। Alright जी, ये मैंने honestly ईरानी फ्यूजन किया है, let's see कि क्या होता है।